फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित और ये है अपने भाई मोनिका। तो फिर आज हम जाने लगे हैं त्रिवेणी ट्रैक पे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार। डाउन साइड आप सभी जानते ही हो, पूरे इस टाइम इंडिया में कितनी भयंकर गर्मी है। तो थोड़ा माउंटेन्स पे जाते हैं, थोड़ा सुकून शांति और ठंडी हवा का फील लेके आते हैं। तो आज जो हम जाने वाले हैं वो है गलू टेम्पल से, और वहाँ पे चाहे आप गलू से जाओ, दो ट्रैक हैं, गलू से है और वाटरफॉल से है, बागसू वाटरफॉल से। तो जहाँ से भी जाओगे यार, 100 रुपया परमिट लगेगा आपका। पर्ची वहाँ कटेगी फॉरेस्ट वालों के, वहाँ आपको दिखा दिया अभी। और बाकी ऊपर जाके आपको कहाँ पे बुकिंग करनी है, क्या करनी है, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज के ब्लॉग में दे दूँगा, नंबर वगैरह हर चीज़। तो फिर चलो चलते हैं और करते हैं ट्रैक स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हम गलू टेम्पल से अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, और धर्मकोट से गलू तक ऑफ रोडिंग है 2 से 3 किलोमीटर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट वगैरह का प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि 100 रुपया पर पर्सन लगेगा, वो 275 विद टेंटिंग लगेगा 1 पर्सन का यहाँ पे फीस। और अभी आप ट्रैक के अमेजिंग व्यू यहाँ पे देख सकते हो, एंटर करते आपको नीचे धर्मशाला और कांगड़ा वैली और माउंटेन्स के अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के। और जो आप ये सामने वाला माउंटेन देख रहे हैं, ये आपका बागसू वाटरफॉल से जो ट्रैक जाता है, तो यहाँ से आप अगर आप जाओगे तो ये करथानी है, तो आप यहीं तक की ट्रैकिंग कर पाओगे। और इसके आगे मैं बता दूं आपको तो त्रिवेणी कितना दूर है। फर्स्ट ये आपका हाफ पॉइंट आ गया मैजिक व्यू, और इसके ऊपर जो आपको ये माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पर है मेन त्रिवेणी। और अगर आप कभी भी जैसे ट्रैकिंग पे जाते हैं तो ऐसे चप्पल डाल के ट्रैकिंग ना करें, बिकॉज़ आप ट्रैक देख सकते हो कैसा है, थ्रिला ट्रैक है ये वाला। तो आप प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ वेयर करें या स्पोर्ट शूज़ वेयर करें, चप्पल डाल के ना जाएं, वरना आपको क्या है कि पेन हो सकती है पैरों में या कोई इंजरी हो सकती है। और क्यों ऐसे इंजॉय करने जा रहे हो तो मस्त इंजॉय करके आओ, ऐसे इंजरी वगैरह लेकर ना आओ, तो इस बात का भी आप ज़रा ध्यान रखें। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मैजिक व्यू, जो कि हाफ पॉइंट है इस ट्रैक का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैफ़े हैं, एक दो कैफ़े हैं, आप वहाँ पे बैठ सकते हो, कुछ खा सकते हो ईज़िली, पानी वगैरह पी सकते हो, और फिर देन आफ्टर आप यहाँ से ट्रैक आगे स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिखाई देते हैं, आप देख सकते हो नीचे धर्मशाला के और बैलीस के काफ़ी अमेजिंग व्यू दिखाई देते हैं यहाँ से। और मैं आपको बता दूं यार, जब भी आप बैठते हो तो एकदम अपना रक्षक जो है वो एकदम पीछे ना रखें, क्योंकि आप जब ट्रैकिंग करते हो तो आपकी बॉडी वार्म अप होती है, आपको पसीना बड़ा होता है, हीट होती है, तो एकदम उसको ठंडा ना करें। और जब आप पानी पीते हो तो वो भी बिल्कुल थोड़ा सा पिए, ताकि आपका गले तक ही हो, यानी ज़्यादा पानी ना पिए, उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है चलने में और सांस वगैरह फूल सकती है आपकी। आप देख सकते हो कैसे घोड़ों पे सामान ऊपर त्रिवेणी तक ले जाया जा रहा है, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आप समझ ही सकते हो क्यों ऊपर जाकर हर चीज़ महंगी होती है, फिर भी जेन्युइन प्राइस है उस हिसाब से, तो इसलिए आप अपना ही कैरी करके लेकर जाए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है नीचे से सामान को ऊपर पहुँचाने तक।
सो फ्रेंड्स, फाइनली हम त्रिजुंड पहुंच चुके हैं और अभी मैं आपको फर्स्ट व्यू ऑफ त्रिजुंड दिखाऊंगा। कुछ ऐसा आते ही आपको दिखाई देगा। सामने आप माउंटेन्स देख सकते हो, पूरा थकान आपकी दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं और आके थोड़ा स्नैक्स वगैरह मैगी वगैरह खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और इन माउंटेन्स के बीच इतनी ट्रैकिंग करने के बाद ये मैगी खाने का कितना ही अमेजिंग फील, और आप खुद ही फील कर सकते हो। वाओ, फ्रेंड्स अभी पहुँच के आपको सूट वगैरह करके दिखा दिया यहाँ का मैंने, और अभी शाम हो चुकी है तो अभी टेंट में है। और खाना वगैरह तो बन रहा है, अभी हम ले आए थे चिकन वगैरह ये, और तो अभी वो बन रहा है। तो अभी करते हैं खाना वगैरह और फिर नाइट का दिखाता हूँ, फिर मॉर्निंग के व्यू भी दिखाता हूँ आपको, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मॉर्निंग में बता दूँगा। यहाँ पर आने का, रहने का, खाने का, पीने का कितना क्या खर्चा होने वाला है आपका। बाकी इस टाइम मस्त व्यू है यहाँ का, अमेजिंग व्यू, पूरी दुनिया भूल के एकदम शांत नेचर के बीच में एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, देख सकते हैं इस टाइम क्या हाल है। मतलब रात को नींद तो अच्छी आ गई, बट ठंड काफ़ी थी रात को यार। तो देख लो, अभी मैंने जैकेट वगैरह और गर्म ट्राउज़र, तो यानी जब भी आप आओ तो चाहे जितनी भी गर्मी हो यार, बट जैकेट वगैरह यानी अपना गर्म स्टफ़, वार्म स्टफ़ लेकर ही आओ, क्योंकि रात को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है। बट अभी सुबह थोड़ा आप देख सकते हो तो बादल सा है, तो उस करके इतनी अभी मॉर्निंग टाइम ठंड नहीं है, बट रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो गर्म वार्म स्टफ अपना लेके आए, बाकी टेंट में अच्छा था, बढ़िया था, गद्दा वगैरह, स्लीपिंग बैग, ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं था, बढ़िया नींद आई।
तो अभी मॉर्निंग के व्यू दिखा देता हूँ आपको, बट बादल हैं थोड़े, तो उस पर कहते हैं कुछ खास व्यू है नहीं, अभी दिखाई दे रही नहीं रहा इतना। फिर हम निकलते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके, तो मिलता हूँ फिर आपसे और बताता हूँ आपको फिर कुछ इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको त्रिलोका दिखा दिया और अभी हम वापस जाने लगे हैं। मॉर्निंग टाइम आ जाए मौसम कैसा है, बादल हैं इस टाइम, तो फिर मॉर्निंग में ही निकलना बेटर रहेगा अभी अभी हमको। एंड रात का भी आपको एक्सपीरियंस बता दिया, ठंड थी काफ़ी, तो जब भी आओ बेशक जितनी भी गर्मी हो, बट रात को कुछ ना कुछ गर्म स्टफ़ लेके ही आओ, यहाँ पे ठंड है अभी। मॉर्निंग टाइम भी काफ़ी ठंडी हवा है। और बाकी मैं बता दूँ आपको, तो यार जैसे ही आप वो रास्ता देख रहे हो, वो वाला रास्ता देख रहे हो, वहाँ से जैसे ही एंटर करोगे तो ये सामने हम कैफ़े है, ये वाला ब्लू सीकर पार्ल है। तो यहाँ पे आपको अगर स्टे करना है तो मैं आपको नंबर वगैरह, बुकिंग नंबर वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नाम वगैरह भी दे दूंगा, तो आप कर सकते हो। बाकी सीज़न ऑफ सीज़न अलग अलग प्राइजेस रहते हैं यार, और 1000 रुपये के अराउंड पर पर्सन का रहता है। उसमें आपका टेंट, खाना पीना, रहना, उसमें स्लीपिंग बैग, हर चीज़ आपको मिलेगी। रात का खाना मिलेगा, आते स्नैक्स मिलेगा, मॉर्निंग टाइम भी खाना या ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा 1000 रुपये में। और बाकी प्राइस अप डाउन होते रहते हैं सीज़न ऑफ सीज़न और डे के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से। एंड ऐसा नहीं है कि आप अगर बुकिंग किए बिना ऊपर आओगे तो आपको रहने को नहीं मिलेगा, तो भी आपको ही मिल सकता है यहाँ पे। बट क्या होता है कि सैटरडे संडे काफ़ी क्राउड होता है, तो उस टाइम थोड़ा पता नहीं होता है। तो एक आप श्योर होके आते हो कि आपकी बुकिंग है, तो आप उस हिसाब से बुकिंग करा के आ सकते हो। अगर आपको खाली टेंट ही चाहिए तो वो 600-800 इसके अराउंड मिल जाता है, और खाना फिर अपना भी कर सकते हो। और पानी वगैरह अपना कैरी करके लाएं, क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं मिलता है, ना ही इस ट्रैक में पानी मिलता है, और मिल जाता है बट वो फिर आपको चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट अपना जहाँ तक हो सके कैरी करके लाएं। और सफाई का विशेष ध्यान रखें, और जो भी आप कचरा वगैरह यहाँ फैलाएं नहीं, बिकॉज आप देख सकते हो यार कितनी ही खूबसूरत जगह है, और जब भी यहाँ से जाओ तो कचरा वगैरह जो लेके आए हो, खाना पीने का सामान, वो अपने साथ ही लेकर जाएं, यहाँ वहाँ ना फैलाएं, ताकि कोई और भी वापस आपके जाने के बाद यहाँ आए तो उनको भी एक अच्छा व्यू देखने को मिले, ना कि कचरा कुछ ऐसा देखने को मिले। और बाकी यार देख ही सकते हो यार धौलाधार माउंटेंस, मतलब कि कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ग्लेशियर भी है, यानी काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और इस साइड को आप देख रहे हो तो यहाँ से आपका आगे एक ट्रैक जाता है स्नो लाइन और लाका तक, तो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी कैंपिंग वगैरह होती है, तो उन्हीं से ट्रैक जाता है वो भी आपका। और उस साइड को करथानी वगैरह, तो अगर आप बागसू वाले ट्रैक से आओगे तो आप त्रियुंड तक यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि काफ़ी टफ है वहाँ से मेन त्रियुंड तक पहुँचना। अगर मेन त्रियुंड तक आना है आपको, तो आपको गलू टेम्पल धर्मकोट वाले ट्रैक को ही आना पड़ेगा। अगर आप बागसू वाटरफॉल को जाते हो तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, तो आपको लेटा करथानी वाड़ा वहाँ तक ही आप जा सकते हो, करथानी तक ही वहीं से आप व्यू देख सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।